नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज अग्रवाल। आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल गार्डनिंग इज माय पैशन का हिंदी वर्सन। दोस्तों, बहुत लोगों ने मुझे क्वेरी की है कि उनके पास जो गुड़हल के पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, इसमें काफ़ी सारे कलियां आती है, भर भर के कलियां आती है, लेकिन कलियां खिलने से पहले ही सारी मुरझा के गिर जाती है, उसमें फूल नहीं बनते। ये देखिए, मेरे अभी एक फूल खिला हुआ है और ये पुणे वैरायटी का, कितनी सारी कलियां आती है इसमें। देखिए, इतनी सारी कलियां, इसे कलियां कलियां से भरी है। ये आज फूल खिला, ये कल खिलेगा, ये परसों के लिए तैयार है, फिर उसके बाद से ये तैयार हो जाएंगे। तो और लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसके अक्सर की बताते हैं कि ये जो कलियां है, ये खिलने के पहले इस तरह से झरझर के गिर जाती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से गिर जाती है। ये अक्सर प्रॉब्लम होती है लोगों के साथ। तो मैं आपको इसका रीज़न बताऊँगा कि किस लिए आपकी जो कलियाँ है ये गिर जाती है और कैसे आप निदान पा सकते हैं। आप एक एक करके देखिए, मैंने मुख्य जो 5 कारण है वो बताता हूँ। पहले आप देख लीजिए कि आपके यहाँ जो पौधा है ये बिल्कुल धूप में होना चाहिए। 5 से 6 घंटे इसमें धूप मिलनी चाहिए और पानी इसमें सही होना चाहिए, यानी कि ज़्यादा पानी भी नहीं हो, कम पानी भी नहीं हो। ऐसा नहीं हो कि आप 4-5 दिन लगातार पानी नहीं दिए जो सूख जाएगा, तो इसकी जो डंठल है उसमें से जो रस है, रस नहीं ले पाएगी। और फूल खिलने के लिए काफ़ी सारा पानी चाहिए। अगर इसमें पानी नहीं मिलेगा तो ये कलियाँ अपने आप झरा देगी, तो आप जो है फूल गिर जाएंगे अगर 4-5 दिन पानी नहीं दिए। या फिर यह सौगी हो गया है, काफ़ी सारा पानी हो गया, ये इसको ट्रांसपिरेशन नहीं कर पा रही, पानी को निकाल नहीं पा रही है, तब भी ये कलियाँ झरा देती है। अगर आपका पानी सही है, इसका जो गमले में पानी सही है, धूप सही है, तो आपको मैं और कारण रीज़न बताता हूँ कि आप किस लिए इसमें कलियाँ झर जाती है। आप ये कारण देखिए और मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। पहला कारण यह है कि आपका अगर पौधा कोई टेरेस में है, छत में है, बेलकोनी में है, तो ध्यान दीजिए कि बेलकोनी में जो पौधा, ये जो गमला है, गमला कम से कम 7 से 8 इंच जो टेरेस है, छत है, उससे ऊपर होनी चाहिए, यानी कि स्टैंड में आपको पौधा होना चाहिए। 8 से 9 इंच का गैप होना चाहिए, क्योंकि छत है, गर्मी का दिन में अप्रैल मई जून में काफ़ी गर्मी पड़ती है, तो धूप जो है, पूरी जो गर्मी है इसमें गमले में आ जाती है। और गमले में आने के बाद सारे रूट को गर्म कर देती है, और रूट को अगर गर्म कर देगी तो उसका पानी अब्जर्बिंग की कैपेसिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। उससे क्या होता है, इसमें पानी ट्रांसपिरेशन सही नहीं होता है, तो इसके सारी कलियाँ झर जाती है। तो आपको कम से कम, पहला है कि आपको कम से कम 7 से 8 इंच ऊँचा लगाना चाहिए, या फिर आपके पास टैन नहीं है तो कोई बोरी है, चट्टी की बोरी है, इसके 3-4 लेयर करके उसके बाद गमले को इसके ऊपर बिठाए, ताकि जो हीट है, नीचे की हीट उसमें आनी नहीं चाहिए। अगर ये हीट अगर नहीं आएगी, आप पहले देख लीजिए कि आपका गमला किस स्थिति में रखा हुआ है, अगर हीट इसके ऊपर नहीं चढ़ेगी तो आपके जो है ये जो कलियाँ, एक भी कलियाँ गिरेगी नहीं और एक भी सारे के सारे जो कलियाँ फूल में कन्वर्ट होगी। तो ये हो गया पहला रीज़न कि आप अगर कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम है, जब फूल अगर गिर रहे हैं तो कलियाँ अगर गिर रही है, कलियाँ फूल में कन्वर्ट नहीं हो रही, तो आप ये ध्यान दीजिए, एक नंबर। दूसरा नंबर ये है दोस्तों कि लोग अक्सर क्या करते हैं कि फर्टिलाइज़र काफ़ी डाल देते हैं और इसमें ये डालते हैं, ये डीएपी में आपको पता है कि 46% इसमें फॉस्फेट है, और ये फॉस्फेट बिल्कुल पसंद नहीं करती, इसको चाहिए पोटास या फिर नाइट्रोजन, इसको मीडियम नाइट्रोजन चाहिए और लो पोटास फॉस्फेट चाहिए और हाई पोटास चाहिए। इस तरह का फर्टिलाइजर, यानी कि 17:5:24 या 16:8:24 या 17:10:27 इस तरह का जो एनपीके रेशियो है, इस तरह का फर्टिलाइजर चाहिए। आपको डीएपी बिल्कुल नहीं चाहिए। डीएपी अगर डालेंगे इसमें से गमले में, इसमें फॉस्फेट की मात्रा ज़्यादा होगी, इसके जो पत्ते हैं ये कलियाँ स्टीप हो जाएगी, स्टीप होने से उसके ऊपर जो पोर्सन है उसका हल्का ढीला हो जाएगा, ढीला होने से ये पूरी कलियाँ गिर जाएगी। तो आप, 2 नंबर कारण है कि डीएपी आप बिल्कुल प्रयोग मत करें इसमें गमले में, तो आपकी कलियां नहीं जाएगी, तो इस तरह के ध्यान दें। तीसरा कारण है कि आप अक्सर क्या करते हैं, हर महीने क्या करते हैं, 15 दिन 20 दिन बाद आप गुड़ाई कर लेते हैं, इस तरह की गुड़ाई करते रहते हैं। और आपको मैं बताऊं कि ये बहुत शौकीनी प्लांट है, काफ़ी सेंसिटिव प्लांट है, इसके रूट्स जो है ऊपर आ जाते हैं और ये बिल्कुल पसंद नहीं करते कि इसके जो ऊपर के रूट है ये ट्रिम हो जाए, ये टूट जाए। तो आपको गमले में बिल्कुल आपको गुड़ाई नहीं करनी है, गुड़ाई करनी थी या फिर आप ट्रांसप्लांट करेंगे उस टाइम, या ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 महीने में एक बार गुड़ाई करें। आप इसकी जो खरपतवार निकाल दें, लेकिन इसकी गुड़ाई मत करें, ताकि इस तरह से कोई डीप गुड़ाई मत करें कि 1 इंच 1.5 इंच तक आप गुड़ाई कर लिए, इसके ऊपर की रूट डैमेज हो गई, ऊपर के रूट जब भी डैमेज होगी तो सारी कलियाँ ये झड़ा देगी। तो आपको ये गुड़हल का जो गमला है उसमें गुड़ाई बहुत सावधान से करनी है, बहुत कम करनी है। अगर आपको फर्टिलाइजर डालनी है तो ऊपर से डाल के आप इसमें से पानी डाल दें, तो आपको ये जो पौधा है उसको आसानी इसमें से ले लेंगे। तो गुड़ाई अगर आप नहीं करेंगे तो आपके जो कलियाँ हैं ये नहीं झड़ेगी।
दोस्तों चौथा रीजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या करते हैं काफ़ी सारे इंसेक्ट्स आते हैं, ये जो कलियां हैं, ये जो सॉफ्ट कलियां होती है इसके अंदर ये अंडे दे देते हैं, अंडे देने के बाद ये लार्वे हो जाते हैं, लार्वे होने के बाद ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से नज़दीक से इस तरह की, यहाँ से लार्वे होने के बाद यहाँ पर इसको खाने लगते हैं, इसको खाने के बाद देखिए यहाँ पर छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, छेद होने के बाद आपको जब पता चलेगा बाद में कि ये छोटे छोटे छेद हो गए हैं, यहाँ पर से छेद हो गए हैं, छोटे छोटे छेद होने के बाद काला पड़ जाता है ये फूल का पोर्शन, और बाद में आपको पता चलता है कि कोई इंसेक्ट की वजह से इसमें कीड़े आ जाए, उसको खा गए हैं, खाने के बाद ये जो पोर्शन है ये सूख जाता है, सूखने के बाद ये झड़ के गिर जाते हैं। तो इस हालत में आपको क्या करना है, या तो आपको दो तरह के इंसेक्टिसाइड आप प्रयोग कर सकते हैं, पहला है कि आप नीम का ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं, ये नीम ऑयल का है, नीम गोल्ड, इसको आप ले लें, नीम ऑयल 3 ml पर लीटर, उसमें सोप दे दें, कोई भी लिक्विड सोप, भीम या फिर कोई शैम्पू 1 ml डाल के इसको अच्छी तरह से सेक करके इसको 7 दिन में 10 दिन में एक बार आप स्प्रे कर देंगे तो इसमें जो इंसेक्ट है कीड़े की अटैक ये बंद हो जाएगी। या फिर आप इससे नीम तेल से नहीं जा रहा है तो आप इमिडाक्लोरोपीड लीजिए, कोई भी इमिडाक्लोरोपीड, ये 1 ml पर लीटर लेके आप 7 दिन या 10 दिन में एक बार आप स्प्रे कर दें पूरे पौधे में, अच्छी तरह से पौधे को नहला दें ये इमिडाक्लोरोपीड से, तो आपके जितने भी इंसेक्ट का अटैक है ये इंसेक्ट का अटैक नहीं होगा। इंसेक्ट के अटैक की वजह से बहुत ज़्यादा कारण से जहाँ पर इंसेक्ट का अटैक ज़्यादा होता है तो इस तरह के कलिया, वो कलिया को ज़्यादा अटैक करती है, कलिया को ज़्यादा खाती है और इससे क्या होता है कलिया झरझर के गिर जाती है। तो आप अगर ये अच्छी तरह से प्रयोग करेंगे तो आपके कलिया झरेगी नहीं। दोस्तों पांचवा कारण है बहुत इम्पॉर्टेंट कि आपको ये मैं बताता हूँ कि आप अगर ग्रो कर रहे हैं आप ये जो गुड़ल को बहुत ज़्यादा मात्रा में पोटास चाहिए, ये म्यूरेट ऑफ पोटास है, म्यूरेट ऑफ पोटास या सल्फेट ऑफ पोटास चाहिए अगर आपकी कलिया झड़ रही है। और उसके में क्या होता है इसमें हम लोग अक्सर क्या होते हैं इसमें ज़्यादातर ह्यूमस या फिर आपका वर्मी कॉम्पोस्ट काउडंग कॉम्पोस्ट डालते रहते हैं, ये ज़्यादा एसिडिक हो जाती है, हालाँकि ये इसको 6-6.5 की एसिडिटी चाहिए इसकी pH लेवल, लेकिन इसमें ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है तो आपको क्या करना है कैल्शियम डालना है, कैल्शियम का सोर्स, और इसमें आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे जिसको हम चूना कहते हैं, चूना डालेंगे आप आधा और आधा इसमें डाल देंगे ये पोटास, ये दो मिला के आप डालेंगे इसमें, आप डाल दीजिए इसको अच्छी तरह से, डालने के बाद इसमें पानी डाल दीजिए, और नहीं तो आप क्या करें इसको आप पानी में घोल लें, पानी में घोलने के बाद आप अच्छी तरह से 100 या 200 ml पानी में घोल लें, घोलने के बाद इसको प्रयोग कर लें, आपको गारंटी है कि आपके कोई भी कलिया झड़ेगी नहीं। दोस्तों दो चीज़ और मैं बताऊंगा, अगर आपके पास ये फूल खिल नहीं रहे तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के इस तरह का आता है एग्रोमिन गोल्ड, ये लिक्विड आता है, इसमें आप 1 ml पर लीटर में डाल के पूरे जो पौधे हैं उसको नहला दें, स्प्रे कर दें अच्छी तरह से 1 ml पर लीटर हर 10 दिन में 15 दिन में एक बार स्प्रे कर दें, तो ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी से अगर कलिया झड़ रही है तो वो भी हो जाएगा। और अगर आपके पास कलिया हो रही है, मुझे काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि कलिया इस तरह के बंद रहती है खुलती नहीं है कलिया, तो यो जो रीजन है वो बोरोन की वजह से होता है, इस तरह का बोरोन आधा चम्मच बोरोन आप लेके आप इसको चारों तरफ डाल दें, पौधे को चारों तरफ डालने के बाद बोरोन की वजह से ये अक्सर क्या होता है खिलते नहीं है, इस तरह का पानी डाल दें और ये जो है आपके पौधे की जो है जो कलियाँ खिलती नहीं है ये गारंटेड आपकी आपसे फूल खिलेगी। तो ये मैंने 5-7 रीजन बताए, ये आप फॉलो कीजिए और आपके जो गुड़हल है बहुत अच्छे रहेंगे, धूप अच्छी मिलनी चाहिए, पानी ठीक से मिलना चाहिए और ये जो पौधे है इसमें सारी कलियाँ खिलेगी। तो ये कुछ टिप्स आप फॉलो कीजिए, मेरी गारंटी है कि अब आपके और कोई भी कलियाँ झड़ेगी नहीं और फूल सारे कंप्लीट फूल से खिलेंगे, तो ये फॉलो कीजिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। गार्डनिंग इज माई पैशन हिंदी भाषा में नया है तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इस तरह के वीडियो मैं लाता रहता हूं। आपको इस चैनल में आने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।